अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 2 अक्टूबर, आज ही का वो दिन था जब हमारे देश के नॉट सो फेमस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन हुआ था। 2 अक्टूबर, आज ही का वो दिन था जब हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की भी जन्मतिथि थी। अचरज की बात यह है कि 2 अक्टूबर केवल गांधी जयंती के लिए मनाया जाता है, लेकिन हमारे आजाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर मृत्यु तक ना किसी सरकार का ध्यान जाता है और ना ही किसी मीडिया हाउस का। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। इंडिया वाज अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बीइंग अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ऑल अक्रॉस द ग्लोब वाज सोली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन एंड अवर द देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। Lal Bahadur Shastri was not only involved in the Operation Flood and White Revolution, but also played an equivalent and major role in the Green Revolution of our country as well. British rule के टाइम पे अंग्रेजों ने भारत को इस कदर लूटा था कि बंगाल में जब फेमाइन आई थी तब 15 से 30 लाख लोगों की जान चली गई। उसके बाद ही पाकिस्तान और भारत के बीच मतभेड़ शुरू हो गई। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाकर उन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहा जिन पर देश का बोझ था, यानी कि हमारे किसान और हमारे जवान। But the sad reality is, even after doing so much for our motherland, we still don't know whether Lal Bahadur Shastri had a natural death or it was a well-planned or a well-executed cold-blooded murder of our second Prime Minister of Independent India in the foreign land of Tashkent. Why does a nation's PM dies in a foreign land and there is no postmortem report of the same? Why was there no committee established to find the reason of death? Why was the dead body of Lal Bahadur Shastri so pale if it was a natural death? Why was the family asked to keep silence in the death case? And most importantly, who's so powerful to silence the entire nation and manipulate the story of a prime minister's death? And why? It's the 2nd of October 2020, decades after the death of the second Prime Minister of the independent India, and still the answers of his death are unfolded. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। संवाद को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ है प्रशांत नायर, मैं हूँ ध्रुवी छाजे। नमस्कार, जय हिंद।